तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल की। 70 के दशक की वो अदाकारा जिसकी खूबसूरती का पूरा हिंदुस्तान कायल था। नशा जो है शबाब में। वो एक्ट्रेस जिसके एक्टिंग और डांस को देखकर देखने वाले देखते ही रह जाते थे। परवीन बॉबी वो अभिनेत्री थी जो टाइम मैगजीन पर आने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। लेकिन इतनी मशहूर अभिनेत्री का उनके आखिरी समय में न तो उनके रिश्तेदारों ने साथ दिया और न ही उनके तीनों प्रेमियों ने। ये पागल हो गया। डर गए। बुलंदियों पर छाई एक्ट्रेस परवीन बॉबी को बीड़ियों में जकड़कर पागल खाने ले जाया गया था। मौत तेरा इंतजार कर रही है। दुखी हरी परवीन की मौत के 3 दिन बाद उनके मरने की सूचना मिली और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया था। बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक थी परवीन बॉबी, जिन्होंने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की कि सबको पछाड़ दिया। गुजरात के नवाबी परिवार से ताल्लुक रखने वाली परवीन ने अपने अभिनय से बेशुमार नाम, दौलत और शोहरत कमाई। डेनी कबीर बेदी और महेश भट्ट उनके प्रेमी भी रहे। परवीन ने जितनी तेजी से कामयाबी हासिल की उसी रफ्तार से वो गुमनामी की दुनिया में चली गई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम खुशबू पंचारिया, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड नमा। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की, जिनकी दुखांति का जानकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। गुजरात के वली मोहम्मद खान के घर में परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन ने मॉडलिंग में कदम रखा। May I have a light, please? बचपन से ही बोल्ड रही परवीन को कॉलेज के दिनों में ही अक्सर सिगरेट पीते देखा जाता था। एक दिन ऐसे ही कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इशारा की नजर पड़ी और परवीन की बॉलीवुड में एंट्री हो गई। अपनी बहन की दलाली करके हासिल की है। Get out of my room! साल 1973 ने परवीन ने पहली फिल्म की चरित्र। इस फिल्म में खूबसूरत परवीन ने दमदार एक्टिंग की, लेकिन अफसोस ये फिल्म फ्लॉप रही। भले ही ये फिल्म ना चली हो, लेकिन परवीन ने अपने अभिनय से कई डायरेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने साल 1974 में मजबूर, 1975 में दीवार जैसी हिट फिल्मों में काम किया और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूँ। और बताया ये भी जाता है, उस दौर में जब कोई भी डायरेक्टर कोई बड़ी फिल्म बनाता तो उनकी पहली पसंद परवीन बॉबी थी, और तब फैशनेबल परवीन ने अपने बोल्ड और वेस्टर्न लुक के साथ हिट से हिट फिल्में दी। दीवार, कालिया, शान और पत्थर जैसी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग की, और देखते ही देखते परवीन ने बहुत ही जल्द वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां तरसती थी। दिन तो आता है, एक दिन जवानी में आगे मिले तो लगे। 70 से 80 के उस दौर में हर बड़ा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर परवीन के साथ काम करना चाहता था। उस दौर में अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी सुपर डुपर हिट मानी जाती थी। यही वजह रही कि परवीन ने सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। जब से तुमको देखा, देखा ही करते थे, जब से तुमको देखा। परवीन बॉबी न सिर्फ फेमस एक्ट्रेस रही बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी खासी चर्चाओं में रही थी। क्या तुमको अपना, मैं अपना पता। उनकी खूबसूरती, उनके डांस और उनके स्टारडम का हर कोई मुरीद था। मारा ठुमका, मारा ठुमका। परवीन जितनी तेजी से कामयाबी को छू रही थी उतनी ही तेजी से उनकी किस्मत कुछ और ही कहानी रच रही थी। वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि दर्द और सितम ने उनकी जिंदगी को घेर लिया। एक दौर ऐसा भी आया जब परवीन की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर के लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। अकेलेपन के दौरान परवीन की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी कि उन्हें पागल भी घोषित कर दिया गया। फिर जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए।
जिंदगी के इस उतार और ब्रेकअप से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। घुट घुट के ना मर जाऊं। जिसके बाद उन्होंने खुद को अकेले ही कैद कर लिया। मर रहा हूं, जल्दी से इंजेक्शन। यहां तक कि उन्होंने अपने सभी नौकरों को हटा दिया था। इसके बाद एक और बोर्ड आया। परवीन को पैरानॉयड सिज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी हो गई, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। डॉक्टर साहब, मुझे अपाहिजों ने से बचा लिया। धीरे धीरे सब लोगों ने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अमिताभ बच्चन सहित कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। सबूत, सबूत, सबूत। वकील साहब, आपका ये कानून सबूत का गुलाम है। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। साल 1984 में तो वो हद ही पार कर गई। मानसिक रूप से परेशान परवीन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव करने लगे। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सके। उन्हें हथकड़ियां पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया। घुट घुट के ना मर जाऊं। जानकारी मिलते ही इंडियन काउंसिल उनके पास पहुंची तो परवीन मुस्कुरा रही थी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का अंत दुखांतिका से भरा हुआ था। उनका आखिरी समय इतना बुरा था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले उनकी मौत और फिर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी की आंख नम कर दी। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे डर है कि शायद मैं जिंदा न रहूं। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री परवीन अब पूरी तरह गुमनामी के गट में डूबती जा रही थी। न खाने का पता था और न रहने की सुध। आमतौर पर वो बाहर से ही कुछ लाकर खाती थी। उनके घर के बाहर दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठा होने लगे थे। लेकिन जो जो हालत बिगड़ती गई वो खाना बनाने में असमर्थ होती गई। 22 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी के पड़ोसियों को परवीन को लेकर कुछ शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर की। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई तो वहां परवीन का शव मिला। पूरा घर उलट चुका था। पलंग के पास एक व्हील चेयर रखी थी। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। उनके शरीर से सिर्फ शराब मिली थी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था। उनकी व्हीलचेयर देखकर यह अंदाजा लगाया गया कि आखिरी दिनों में वो चल भी नहीं पा रही थी। और इस तरह दुख, निराशा, अकेलेपन से घिरी एक मशहूर अभिनेत्री इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गई। सुहागन।